कर्तनाच्या दूत उतरले. स्ट्राइक इन कडे फलंदाज गणेश. गणेशाने पहिल्या चेंडूला चोप दिलाय. चेंडू हवेमध्ये आहे. मिड विकेट पट्टा क्लिअर केला जाईल यात काही शंका नाही. हा मोठा फटका, सहा धावा, वॉट अ स्ट्रोक. गणेश आणि संदीप हे प्रारंभिक फलंदाज मैदानाच्या आत गेलेत आणि आदरणीय शैलेश भैर यांच्याकडून 200 रुपयाचा पारितोषिक आलंय फलंदाज गणेशला. कशा प्रकारे फटक्याची निवड केली हे सुद्धा आपण लगेचच बघणार होतो, मात्र सध्या तरी आपण रिप्ले दाखवणार आहोत. मात्र मैदानाच्या आत जाऊया पुन्हा एकदा चंडू पडण्याच्या तयारीत. ओ व्हॉट डिलिव्हरी! हा एक चांगला चंडू होता, ब्लॉक होल मध्ये मारा होता गोलंदाजाचा. चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही. 4 षटकांचा सामना असेल. पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं असेल. पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये आपण बघू शकताय तर 2 क्षेत्ररक्षक 30-yard circle बाहेर, एक म्हणजेच मिडविकेट पट्ट्यामध्ये आपल्याला दिसतोय आणि एक आपल्याला लॉंग ऑफमध्ये पाहायला मिळतोय. 30-yard circle आत शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट कव्हर, मिड ऑन, मिड ऑफ, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन. आता खडेखडे खेळण्याचा प्रयास केलाय. चेंडू आलाय मिड ऑन मध्ये, एक धाव घेण्याचा विचार केलाय, मात्र नॉन स्ट्राईक इन कडून गाडी काही सुटली नाही, सिग्नल मिळाला नव्हता आणि अशा रीतीने फलंदाज गणेश पाटील धावबादच्या स्वरूपात बाद झाला. यस इज गॉन. कशा प्रकारे हा फलंदाज धावबाद झालाय हे सुद्धा आपण साईड स्क्रीनवर बघणार आहोत. एक घातक धाव घेण्याचा प्रयास केला. क्रिकेटमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही धावा घेतायत त्यावेळेस येस नो अँड वेट हे समीकरण तुमच्यामध्ये असायला हवं, मात्र बघा दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ नव्हता आणि त्याच कारणानं स्ट्राईक इन कडून नॉन स्ट्राईक इन कडे एक गडी आपल्याला रवाना होताना दिसली. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. एक बाद धावा धावपळकर आहेत त्या 6. क्रिकेटमध्ये असे जे फलंदाज बाद होत आहेत त्यांना आत्महत्या म्हटलं जातंय. आणि धावबादचा जर आपण विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, ओडीआय क्रिकेटमध्ये जर जास्तीत जास्त फलंदाज कोण धावबाद झाला असेल तर नाव पहिलं प्रथम येतोय ते मार्वन आटापटू, जो 41 वेळा धावबाद झालाय. त्याचे खळोखाल नाव येतोय ते इंजमान वळख, जो 40 वेळा धावबाद झालाय. राहुल द्रविड भारतीय संघाचा आधारस्तंभ, तो 40 वेळा धावबाद झालाय. आणि मोहम्मद अझरुद्दीन हा भारतीय संघाचा खेळाडू, 334 मॅचमध्ये खेळून तो 38 वेळा धावबाद झालाय. आणि नुकतंच या सामन्यामध्ये गणेश नावाचा फलंदाज धावबाच्या स्वरूपात बाद झालाय. पुढचा चेंडू संदीप याचा, ट्राइंग प्लेइंग आउट फ्रॉम द वाडी, शरीरापासून दूर चेंडूला खेळले, प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये सफलता मिळाली. पंच बघायला मिळाला, अतिशय चांगला फटका, डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावांसाठी खणखणीत असा चौकार. खूप सुंदर टोळा होता फलंदाजाचा. नवीन आलेला फलंदाज सागर पाटील आल्या आल्या आक्रमक रूप धारण करताना दिसतोय. अतिशय चांगला टान्स, कारण क्रिकेटमध्ये फुटवर्क हे महत्वाचं असतोय. तुमचं पावित्र कसं आहे याकडे सर्वांच्या नजर असतायत. स्कोअर मूव्ह ऑन 10, 10 धावा धावपळकावर. पुन्हा गलंदाज संदीप भोईर तयार. शॉर्ट ऑफ लेंथ, पुन्हा शरीरापासून दूर चेंडूला खेळलाय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये जातोय. नो चान्स फॉर द फिल्डर अँड दॅट्स 4 रन्स. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा या ठिकाणी फलंदाजाने घेतलाय. हा चौकार कसा मारला ते सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. अतिशय चांगला टान्स बघायला मिळालाय. एक नियंत्रण गोलंदाजाचं नव्हतं. फलंदाज खुले फटके खेळत आहेत. ऑफ स्टंपच्या बाहेर लिंगणाऱ्या चेंडूला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देतोय फलंदाज. स्कोर मूव्ह ऑन 14. आता या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. ओ व्हॉट डिलिव्हरी! लेग बिफोर सी अपील आणि पायचीच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद झालाय. पंचांचं बोट आकाशाकडे. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. एक बाद धावा धावपळकर आहेत त्या 14, कारण बरोबर मिडल अँड लेग स्टंप याच्या मधोमधचा हा चेंडू पडलेला होता आणि निश्चितच पायावर आदळल्यानंतर अपील जोरदार केलं आणि पंचांना प्रतिसाद दिलाय. पंचांचा बोट आकाशाकडे. एक बाद आणखीन एक विकेटचं पतन झालंय. एक दोन गडी बाद धावा धावपळकावर झाल्या त्या 14. पायचीचा जर आपण विचार केला तर खऱ्या अर्थाने 1774 साली पायचीची संकल्पना या क्रिकेट विश्वामध्ये आली आणि त्यानुसार ओडीआय क्रिकेटचा जर आपण विचार केला तर ओडीआर क्रिकेटमध्ये 24 ऑगस्ट 1972 साली बॉब उल्मर या इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी केटी वॉल्टर या ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला पहिल्या विकेट्स प्राप्त केल्या होत्या पायचीच्या स्वरूपात. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जर आणखीन आपण न्याहाळलं तर वसीम अक्रम हा पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज ज्याची आठवण आपल्याला होतोय, ज्याने आतापर्यंत 92 फलंदाजांना पायचीत केलंय. भारतातर्फे ओडीआय क्रिकेटमध्ये अनिल कुंबळे हा खेळाडू आपल्या समोर येतोय ज्याने 54 फलंदाजांना पायचीच्या स्वरूपात बाद केलंय. आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये अनिल कुंबळे ज्याने 139 फलंदाजांना पायचीच्या स्वरूपात बाद केलंय. या ठिकाणी एक चांगली कामगिरी गोलंदाज संदीप याची. 14 धावा जरी दिल्या असल्या तरी या षटकात 2 फलंदाज बाद झालेत.
एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2-14 प्रथम फलंदाजी करताना कालिका माता स्पोर्ट्स कासार वळवली या संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. आता नवीन फलंदाज क्रमांक 4 खेळण्यासाठी जातोय मिडल ऑर्डरमध्ये, कारण पूर्वी सचिन तेंडुलकर सरांना क्रमांक 4 आपण बघायचो आणि आता राजू पाटील हा मैदानाच्या आत क्रमांक 4 खेळण्यासाठी जातोय. अतिशय चांगला खेळाडू राजू पाटील जो नॉन स्ट्राईक इनकडे बघायला मिळतोय. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तयार झाला दीपेश. पॉवर प्लेचं जे बंधन होतं ते बंधन शिथिल करण्यात आलंय आणि क्षेत्ररक्षक आपल्याला सीमारेषा पलीकडेच बघायला मिळत आहेत. लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ, त्याच्यानंतर मिड विकेट, स्क्वेअर लेग अशा प्रकारचे क्षेत्ररक्षण रचण्यात आलंय. कव्हर्समध्ये एक क्षेत्ररक्षक वर. शॉट ऑफ लेन, संदीप भोईर यांनी या चेंडूला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खेळवलाय. एक धाव मिळाली, क्षेत्ररक्षक हंबल होतोय दुसऱ्या धावेसाठी वेग आणि संदीप भोईर धावतोय आणि या 2 तो पूर्ण करतोय. याआधी संदीप भोईर आणि गणेश पाटील या दोघांनी मिळून चांगली भागीदारी पहिल्या मॅचमध्ये केली होती. पहिल्या विकेटसाठी 40 जास्त धावा त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी जमा केल्या होत्या आणि आता मात्र या दुसऱ्या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये कालिका माता स्पोर्ट्स कासार वळवली संघाची भागीदारी आपल्याला होताना दिसत नाही. पुढचा चेंडू हा सुद्धा एक शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. ऑन साईडला चेंडूला खेळला चेंडू कार्पेटच्या साहाय्याने मिड विकेट क्षेत्रात जातो. एकच धाव मिळेल, एक धावपेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही. एका धावेनिशी धावसंख्येत बदल झाले, धावा झाले 10-17. खऱ्या अर्थाने मित्रांनो क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणाऱ्या धावा म्हणजेच एकेरी दुहेरी धावा, षटकार आणि चौकार निशी त्यांना नेहमी आकार येत असतोय. मात्र एकेरी दुहेरी धावा या क्रिकेटमध्ये महत्वाच्या असतात, बहुमूल्य असतात आणि एकेरी दुहेरी धावेनिशी धावसंख्येत बदल सातत्याने घडत असतोय. आता सध्या धावपळक आपण बघूया. आम्हाला स्कोरबोर्ड स्पष्ट दर्शवतोय एकूण धावसंख्या 17, गडीबाद झाले 2. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. आणि सर विचार केला प्रदीप याचा तर अजूनही एकाही सामना चेंडूचा सामना त्याने केला नाही. संदीप 2 3 धावा करून खेळपट्टीवर तग धरून आहे. दीपेश भोईर 2 हाताळले, 2 त्यांनी 3 धाव मोजले. पुढचा चेंडू दीपेश याचा शॉर्ट ऑफ लेन आउटसाइड द ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरचा चेंडू आणि पंच आपले दोन्ही हात हवेमध्ये खुले करत आहेत. त्यांचा वाईडचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. या अतिरिक्त धावेची धावसंख्येत बदल झालाय. धावा झाल्या धावपळकावर त्या 18 रन्स ऑन द बोर्ड. 18 धावा महत्वपूर्ण लागलेत धावपळकावर, सरासरी वाढली जाते. पुढचा चेंडू हो, व्हॉट डिलिव्हरी, अपील जोरदार केलंय. आत्मविश्वास कमी दिसलाय गोलंदाजाचा, उत्साह जास्त दिसला तो यष्टीरक्षकाचा. अशा प्रकारे आपण बघायचो ॲडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, कुमार संगकारा हे जे यष्टीरक्षक आहेत ते अशा प्रकारे जल्लोष करायचे आणि सध्या जसा जल्लोष या यष्टीरक्षकाचा पाहायला मिळालाय. धावा धावपळकर आहेत ते 18. प्रेक्षक आपण सामना बघतोयत कालिका माता स्पोर्ट्स कसार वळवली विरुद्ध नरेश स्पोर्ट्स वळवली या 2 संघादरम्यान. हो, वॉट डिलिव्हरी, ओव्हर पीच चंडू होता. आता सुद्धा अपील जोरदार केलंय, आत्मविश्वास कमी आहे. बघा उत्साह जास्त यष्टीरक्षकाचाच आहे आणि असं यष्टीरक्षक का करताय त्याला एक कारण असतं, कारण क्रिकेटमध्ये केंद्रबिंदू म्हणून यष्टीरक्षकाला समजलं जातोय. त्याच्या मार्फत सर्व जी विस्तार असतो, जे क्षेत्ररक्षण रचना असते ती केली जाते. हा निर्धाव चंडू गेलाय, 1 आणि 4 समाप्ती, 1 धावसंख्या आहे ती 18. आता या षटकामध्ये सरासरी थोडीशी घटताना दिसते. अजूनही 2 शिल्लक आहेत. चांगला प्रतिसाद. ओ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पंचांचा वाईडचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धावांचे धावसंख्येत बदल झाले. धावा झाले धावपळकावर त्या 19 रन्स ऑन द बोर्ड. 19 धावा धावपळकावर लागल्या जात आहेत. एक एक धाव क्रिकेटमध्ये महत्वपूर्ण असतं. संजीवनी जीवनरेषा जिला समजलं जाते. बरेच अनेक टुर्नामेंट्स आपण बघले आहेत, एका धावेने संघाला पराभवाचं पाणी चारलंय. चेंडू गुडलेन स्पॉटवर, चेंडू पिच होतोय, फक्त मॅनामधून तलवार काढतायत फलंदाज राजू पाटील. वार काय होताना दिसत नाही. हा निर्धाव चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. 1.5 चेंडूची समाप्ती. धावा धावपळकावर आहेत त्या फक्त 19 धावा. टान्स जर व्यवस्थित असला तर धावा येऊ शकतात. नो डाऊट राजू पाटील इज अ सिनियर प्लेअर, एक वरिष्ठ खेळाडू आहेत. एक्सपिरियन्स खूप मोठा आहे, अनुभव फार तगडा आहे आणि तगड्या अनुभवाच्या सह्याने तो चांगली फलंदाजी करू शकतात. सोहे बाजूने खचाखच भरलेलं क्रिकेटचं स्टेडियम स्वर्गीय रणजित स्मृती चषक पकडण्यासाठी. बॅटची एज लागले चेंडू हवेमध्ये, मात्र थर्ड मॅनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात हा चेंडू काय बसू शकला नाही. एक धाव मिळाली फलंदाज राजू पाटील याला, सुदैवाने हा झळ होऊ शकला नाही. आणि याच बरोबर 2 समाप्ती झाली. 2 समाप्तीनंतर धावा धावपळकावर प्रथम फलंदाजी करताना टॉस हरल्यावर कालिका माता स्पोर्ट्स कासार वडवली संघाच्या झाल्यात त्या
दोन गडी बाद धाच्या सरसाने 20 धावा, अतिशय चांगलं वातावरण आहे. या 20 धावा धावपळकावर चालत या दुपारच्या सत्रामध्ये, आणि आणखीन जे 2 षटकं शिल्लक आहेत या 2 षटकांमध्ये काय घडामोडी घडत आहेत, काय घडतंय, काय बिघडतंय हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवर येत आहेत म्हणजे साथी समालोचक मित्र शहजाद शेख. तत्पूर्वी आपण स्कोरबोर्डवर नजर टाकूया. गणेश शिंगे यांनी डावाची सुरुवात केली, जो धावबाद झाला, 3 चेंडूचा सामना केला, 6 धावा केल्या आहेत. संदीप भोईर 2 चेंडूचा सामना केला, त्याने 3 धावा केल्या आहेत. आणि आतापर्यंत जे 2 फलंदाज आहेत ते चांगला तग धरून खेळपट्टीवर राहत आहेत, म्हणजेच खेळपट्टीवर जर तुम्ही राहिला तर धावा येऊ शकतात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा धावपळकावर 20. 2 षटकात काय घडतंय, काय बिघडतंय याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवर येत आहेत माझे साथी समालोचक मित्र शहजाद शेख. आवाज ऐकूया शहजाद सरांचा. थँक्यू सो मच संदीप गावन सर. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ स्कोरबोर्ड पर, स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवरों का ये मुकाबला खेला जाएगा. 20 रन की अगर बात करते हैं तो T20 ने ज्यादा ही कुछ क्रेज बढ़ा दिया है हमारे क्रिकेट का, बिल्कुल यही कहा जाएगा. जिस तरीके से IPL हो, T20 वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल 20 रन पर ये आंकड़ा जरूर याद आता हुआ. और 20 रन की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल T20 की हमें याद आती है. और T20 के अंदर सबसे फास्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम जरूर है. बिल्कुल 2007 में विश्व कप T20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 117 का जो स्कोर बनाया था क्रिस गेल ने, वो कैसे भूल सकते हैं हम. बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. चलते हैं मैच की तरफ, रुक करेंगे. गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जवाबदारी लेकर गेंदबाज सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सुनील. सुनील की अगर बात करें 10 से 15 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. और सामना करने के लिए तैयार हैं राजू. राजू दादा सामना करने के लिए सज्ज होते हुए. इसी बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है. देखना यह है पावरफुल. यस, ये पावरफुल स्ट्रोक है. गेंद 6 रनों के लिए. व्हाट अ स्ट्रोक, लाजवाब सिक्सर. शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल देख सकते हैं शॉर्ट पिच गेंद थी और गेंद में गति कितनी कम थी और इस तरीके की गेंद का इंतजार कर रहे थे. थोड़ी सी ऑफ ब्रेक होती हुई गेंद, बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज के बल्ले से सही तरीके से टकराती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. इस 6 रन के साथ स्कोर ने लगाई छलांग. स्कोर जा पहुंचा है 26-26 रनों पर. एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन. भले से राजू दादा ने यहां पर गेंदें कुछ खर्च की थी, खाई थी, लेकिन जब उन्होंने वापसी की है, बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि सब्र किया और उसके बाद जो सब्र का बांध था वो टूटता हुआ नजर आया. और चौके के साथ यहां पर गेंदबाज सुनील का वेलकम किया है उन्होंने. इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर की तरफ दोनों हाथों को फहराते हुए अंपायर नजर आए और इस गेंद को वाइड घोषित किया है. वाइड यानी अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होगा, अतिरिक्त रनों में 1 रन संख्या जरूर जुड़ेगी. और स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर. 27 रन हो चुके हैं. इसी बीच ये गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, दीपेश कोई गलती नहीं. खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग. क्या बात है, खूबसूरत कैच लपका है, शानदार कैच लपका है. स्कोरबोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 27 रनों पर. स्कोर 27 रन, लेकिन तारीफ करनी होगी. मैं जरूर संदीप जी यहां पर तारीफ करना चाहूंगा. गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक के देखने मिला है. राजू दादा की अगर बात करें तो काफी खर्च करते हुए नजर आए यहां पर, रनों को, गेंदों को डॉट करते हुए नजर आए. अब देखने वाली बात यह है कि इनकी जगह लेने के लिए कौन से खिलाड़ी विकेटों के बीच में जाते हैं. बिल्कुल सही फरमाया आपने शहजाद जी. और यहाँ पे स्कोर अब तक रुकता हुआ 27 पर. ये तीसरा विकेट गिरता हुआ बल्लेबाजी करने वाले कालिका माता स्पोर्ट्स का सरवड वाली टीम का. बिल्कुल 27 रन हो चुके हैं. 27 रन की अगर हम बात करते हैं तो 27 रन से मुझे याद आता हुआ कि अपने करियर की शुरुआत की थी, बिल्कुल हर्षल गिब्स, ये नाम को हम कैसे भूल सकते हैं. टेस्ट करियर की शुरुआत की थी 27 नवंबर 1996 में. भारत के खिलाफ उन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट का मुकाबला खेला था. और हर्षल गिब्स का नाम सुर्खियों में जिस वक्त आया था उस वक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो पारी खेली थी, 435 रन का जो टारगेट का पीछा किया था, वो पारी हम कैसे भूल सकते हैं. और 6 छक्के भी हम भूल नहीं सकते जो 16 मार्च 2007 को खेले थे उन्होंने. इस बीच ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल लेकिन मिस टाइमिंग, बैक, ओ हो, ये कैच छोड़ दिया. ये जीवन दान, ये लाइफ मिलती हुई बल्लेबाज को. कैच छूटा और चौका हाथों से निकला. देखिए थोड़ी सी ऑफ ब्रेक गेंद थी,
टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने गेंद को सही तरीके से माप लिया था, भाप लिया था। वहां पर खड़े थे आदित्य, आदित्य आदित्य के दोनों ही हाथों से गेंद फरार होती हुई नजर आई चार रनों के लिए। आदित्य की तावड़ तो बदली कर दी गई है और उसी तरीके से बदली करते हुए वहां पर जा पहुंचे हैं संदीप। एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभर कर आए हैं संदीप। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं गेंदबाज सुनील की, तो सुनील ने कुछ रन ज्यादा खर्च किए हैं ये माना जा सकता है। तीन गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं, एक विकेट अपने नाम जरूर किया है। सामना करने के लिए सज्ज बल्लेबाज संदीप, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। इस बार ये गेंद इस बार पुल किया है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्कैल्लक बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। क्या बात है, दंदनाता सिक्सर, व्हाट अ स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर, 37 रन हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? बिल्कुल, अभी तो स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आक्रामक रूप प्राप्त किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। अब कहना पड़ेगा स्कोर 50 के ऊपर जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक टारगेट 50 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन जिस अंदाज से, मैं जरूर बताना चाहूंगा, नरेश स्पोर्ट्स की गेंदबाजी के चर्चे हर जगह है, इनके पास गेंदबाजी की क्रमांक काफी लंबी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी दुविधा में यहां पर उनके गेंदबाज नजर आ रहे हैं। इस बीच अगली गेंद सुनील की, इस बार उसी तरीके का स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड्स का लेग की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच और संदीप की इनिंग की समाप्ति। इसके बाद का जो मुकाबला होगा कालिका माता स्पोर्ट्स वर्सेज रणजी स्पोर्ट्स कासरवडवली वर्सेज मरुआई स्पोर्ट्स कोईवाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच में अगला मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कप्तान प्लीज टॉस के लिए थोड़ी देर में कमेंट्री बॉक्स के बाजू में आ जाए, टॉस जोन में आना है। मरुआई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा वर्सेज रंजीत स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा, तो टॉस के लिए आपको रेडी पोजिशन में रहना, 6 गेंदों के बाद आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जितेंद्र साठी पारितोषिक लावलं जातंय, मनोज मडवी, आदरणीय मनोज मडवी जे सदस्य आहेत रणजी स्पोर्ट्स संघाचे, जितेंद्रसाठी प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल। मनोज मडवी यांच्या मार्फत हे पारितोषिक वितरित केलं जाईल। छह गेंदे अभी भी आना शेष हैं, एक गेंद अभी भी आना बाकी है, माफ कीजिएगा। इस यस एक गेंद जो वाइड गिरी थी, हम चेक कर रहे थे क्या आप मैच में है कि नहीं, हमारे अंपायर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, क्या बात है। इसी बीच ये गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया और ये देखिए, हो लगान वाला दृश्य था ये। लगान पिक्चर में एक गेंद के पीछे 11 खिलाड़ी, उसी तरीके से एक गेंद के पीछे ये खिलाड़ी थोड़ा सा हैरान और परेशान, गाड़ी कब टर्न मार ले ये पता नहीं। संदीप नए बल्लेबाज जो आए हैं, संदीप 4 रनों के साथ खाता खोला है, अपरकट बिल्कुल लगता हुआ बैट का ऊपरी हिस्सा, ये देखिए किस तरीके से गेंद ने रुख बदला अपना। इनकी गलती नहीं थी, मैं ये जरूर कहूंगा ये खिलाड़ी की गलती नहीं थी, गेंद जब कट कर दी लगती है, गेंद की गति के साथ में जब बैट का संपर्क होता है गेंद स्विंग करती है बिल्कुल, और बिल्कुल। स्विंग करने के बाद जब जमीन पर गिरती है तो वो दिशा जरूर चेंज करती है, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। गेंद काफी समय तक के हवा में थी, स्विंग कर रही थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, उन्हें पता है कि टप्पा खाने के बाद गेंद मेरे पास आ सकती है, उस दिशा में दिखे, लेकिन यहां पर गेंद ने अपना जो रुख बदला है, यानी यह जरूर कहा जा सकता है कि गेंद शायद उनसे नाराज थी, नाराज थी तो इसलिए बाजू वाली गली से निकल गई 4 रनों के लिए। ये 4 रन एक बेहतरीन स्कोर टारगेट तक पहुंचाता हुआ कालिका माता स्पोर्ट्स की टीम को। जहांगीर भाई आइए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है रणजीत ट्रॉफी 2018 में। यहाँ पे इनाम लगाया जा रहा है, हर चक्के के लिए 100 रुपये का इनाम रहेगा मनोज मडवी की तरफ से। बिल्कुल, हर जितेंद्र के लिए यहां पर इनामी राशि आई है,
हर सिक्स पे 100 रुपए की इनामी राशि। चलते हैं अंतिम और आखिरी ओवर बाकी है। अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सचिन के कांधों पर सौंपी गई है। इसी बीच सचिन की पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बल्लेबाज बल्ले को स्विंग करते हुए नजर आए लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में। जितेंद्र बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र के लिए इनामी राशि रखी गई है और देखना यह होगा कि बची हुई जो 5 गेंदें शेष हैं, 5 गेंदें आना बाकी हैं, इन 5 गेंदों में कालिका माता स्पोर्ट्स की टीम क्या टारगेट सेट करेगी। इसी बीच ये गेंद, इस बार करारा प्रहार, गेंद हवा में और यहां पर एक बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच लपका है निकेतन ने। क्या बात है निकेतन, बेहतरीन कैच, गेंदबाज भी दौड़ कर गए थे लेकिन यहां पर शॉट मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी खड़े थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक बेहतरीन कैच लपका है। खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग जरूर देखने मिला है और यहां पर हम लाइव जो मैच देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक वो इस कैच को जरूर पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कैच यहां पर लपका निकेतन ने, क्या लाजवाब कैच था। चलिए विकेट का पतंग होता हुआ जितेंद्र की इनिंग की समाप्ति यही कहा जाएगा कि अब जितेंद्र की पिक्चर छूट चुकी है। जितेंद्र अब अपने खेमे की तरफ बढ़ते हुए, अब नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में जाते हुए प्रतीक को मौका मिला है लेकिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है संदीप। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, यहां नजदीकी मामला हो सकता है। अगर ये गेंद डायरेक्ट हिट की जाती तो शायद कुछ बात बन सकती थी लेकिन चलिए एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सचिन की मैं प्रशंसा करूंगा, तारीफ करूंगा, एक विकेट अपने नाम किया है, 1 रन खर्च किया है, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन और गेंद में जो पहनापन है वो जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी सचिन की। ये देख सकते हैं डायरेक्ट हिट अगर गेंद लगती तो शायद यहां पर कुछ बात बन सकती थी। इसी बीच ये गेंद जाती हुई लॉन के क्षेत्र में, अंपायर का इशारा यस आउट। ये पहले खिलाड़ी हैं शायद मेरे ख्याल से यहां पर हिट विकेट होते हुए, रंजीत चषक 2018 में। इस खिलाड़ी का नाम अक्सर हम जरूर लेंगे क्योंकि ये खिलाड़ी अपने हाथों से, कहा जाता है कहावत बहुत पुरानी है कि अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन्होंने वही चीज की है, अपने हाथों से अपने स्टंप पर बैट मार दिया है। ये देखिए क्या बात है, हमारी जो एक्शन रिप्ले वाली टीम है हम उनकी प्रशंसा करेंगे। स्ट्रोक चलिए नो डाउट अच्छा था लेकिन बैट को स्विंग करने के बाद सीधा विकेट के फर्नीचर पे दे मारा, बिल्कुल बेल्स टूट गई है, न्यू बेल्स ग्राउंड के अंदर भेजी जाए। बिल्कुल क्रिकेट नियम 35 लॉ के अनुसार, कायदे और कानून के अनुसार, लॉ की किताब में अगर क्रिकेट की लॉ की किताब में देखेंगे तो नियम नंबर 35 नंबर पर इस नियम का आकलन किया जाता है। और ये जो दृश्य हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंजामामुल हक ने कई बार इस बैट को अपने स्टंप पे मारा है और कभी कभार तो स्टंप पे गिर भी गए हैं। चलिए होता है, क्रिकेट इज अ फनी गेम। बिल्कुल अगली गेंद लेकर सज्ज होते हुए, चलते हैं। गेंदें बची हैं, 2 गेंदें अभी भी आना शेष हैं, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। गेंदबाजी की कमान पर है सचिन, लाजवाब गेंदबाजी की, जितनी तारीफ करें उतनी कम। रंजीत स्पोर्ट्स 2018 दोस्तों आप देख रहे हैं, इस बार फुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल 6 रन, क्या बात है, दंदनादा सिक्सर, व्हाट अ स्ट्रोक, आते ही आते यहां पर बड़ा स्ट्रोक जड़ा है। मनोज जी आपके लिए इनामी राशि आ चुकी है, 200 रुपए आपको श्रीकांत जी भोईर साहब की तरफ से, जो आयोजक हैं इस प्रतियोगिता के, उनकी तरफ से आपको 200 रुपए की इनामी राशि। मनोज जी जो कि इस टीम के कैप्टन है, मनोज उनके लिए ये इनामी राशि
बिल्कुल रंजीत स्पोर्ट्स की टीम के खुद कप्तान जो है उनकी तरफ से श्रीकांत जी वोइर सर इनकी तरफ से ये इनामी राशि आई है। एक गेंद अभी भी आना शेष सचिन की, इसी बीच ये गेंद इस बार फुल लेंथ गेंद थी, फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश की, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, हाना के इशारे नजदीकी मामला हो सकता था। यहां पर दौड़कर जरूर दो रन पूरे किए हैं या फिर कुछ और दृश्य है ये देखने वाली बात जरूर होगी। यस अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी दो रन यहां पर स्वीकारे जाते हैं और दो रनों के साथ साथ ये टीम कालिका माता स्पोर्ट्स क्लब की टीम का स्कोर पूरे 50 रन, जीत के लिए 51 रनों का टारगेट, 51 रनों का टारगेट का पीछा करना होगा यहां पर नरेश स्पोर्ट्स की टीम को। तो क्या होगा क्या नहीं जरूर आपसे हम रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। उससे पहले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, थोड़ी सी फेरबदल। मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप गावन, जो इस आने वाली दो ओवरों के लिए इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अपनी जबानी। आइए सचिन जी, बिल्कुल संदीप जी, उससे पहले टॉस की तरफ बढ़ेंगे। टॉस के लिए टॉस जोन के अंदर जा चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर संदीप मोरे और वहां पर मैच का टॉस किया जाएगा रंजीत स्पोर्ट्स वर्सेज मरिया स्पोर्ट्स के बीच। तो दोनों ही टीमों को कमेंट्री बॉक्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू शेजाद। मरिया स्पोर्ट्स आणि रंजीत स्पोर्ट्स आयोजन समिति, एका बाजूला आपण पाहतोय रंजीत स्पोर्ट्स हा आकर्षक लोगो आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय रंजीत फाउंडेशनचा हा आकर्षक लोगो। मी विनंती करतोय दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आणि आदरणीय अमितजी शिंगे या मान्यवरांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेक करणार आहोत। अमितजी शिंगे आपल्याला विनंती असेल आपण लवकरात लवकर या मान्यवर कक्षातून रवाना व्हावं टॉस बॉक्स कडे। आणि इथे आपण पाहतोय श्रीकांतजी भोईर स्वतः कर्णधार आहेत रणजित स्पोर्ट्सचे आणि मरिया स्पोर्ट्सचे कर्णधार इथे दाखल। माझ्या समवेत हेमंत पाटील एक नामांकित समालोचक। अमित शिंगे साहेबांना विनंती असेल की आपण यावं आणि आणि त्याचप्रमाणे आणखीन एक मान्यवर इथे दाखल होत आहेत। रंजित फाउंडेशन आर एफ रंजित फाउंडेशन नक्कीच मान्यवरांना विनंती असेल आपण स्थानापन्न व्हावं। रंजित फाउंडेशन हा कॉल केला होता नाणेफेक जिंकताय, चार षटकांचा सामना आहे, निर्णय काय असेल तुमचा नाणेफेक जिंकल्यानंतर? क्षेत्ररक्षणाचा, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय का घेतोय? कारण दुपारचं सत्र आपण पाहतोय, तप्त असं ऊन आहे, विकेट हार्ड झालेली आहे, फलंदाजांना चालना मिळणार, काय रणनीती असेल क्षेत्ररक्षण घेतल्यानंतर? रणनीती एकच असेल की 40 आतमध्येच थांबवायचं आहे। रणजी स्पोर्ट्स होम ग्राउंड आहे, आपण पाहतोय आयुब सारखं एक अस्त्र आहे, त्यानंतर मोहम्मद वारेकर सारखा एक बाहुबली फलंदाज, त्यानंतर लखन सारखं एक क्षेपणास्त्र, अशा तीन महत्वाच्या ट्रम्प कार्ड सोबत खेळतोय रणजी स्पोर्ट्स। काय वेगळी रणनीती असेल तुमची या संघाविरुद्ध खेळताना? आम्हाला मेन त्यांचेच विकेट पाहिजेत, त्यांना अगोदर आम्ही आउट करू। नक्कीच आयुब आणि मोहम्मदची विकेट लवकरात लवकर घेण्याचा तुमचा संकल्प आहे, आयोजन कसं, विकेट कशी वाटतंय, मैदान कसं वाटतंय, क्राऊड कसं वाटतंय आणि लाईव्ह टेलिकास्ट कसं वाटतंय? सर्व काही चांगलंच आहे, एक नंबर आहे, एक नंबर असं सांगताय। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आणि मी विनंती करतोय हेमंत पाटील यांना, आपण श्रीकांत भोईर यांचा आपण निश्चितच श्रीकांत भोईर आपण बघतोय कर्णधार, त्यांच्या जोडीला ही चिमुकले सुद्धा दिसतात जे सपोर्ट करण्यासाठी आले आपल्या संघासाठी। यजमान संघ आहे रणजी स्पोर्ट वडवली संघ, एक सामना जिंकलेला आहे, निश्चितच जबरदस्त परफॉर्मन्स झालेला आहे। मात्र एक मला दिसलं की जे दोन गोलंदाज होते, तीन गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली, मनोज, त्यानंतर अयुब आणि लखन, मात्र चौथा गोलंदाज तुमच्या संघामध्ये आता कमी आहे, मात्र निश्चितच नेक्स्ट सामन्यामध्ये काय होणार आहे चौथा गोलंदाज? नेक्स्ट सामन्यामध्ये तोच गोलंदाज राहील जो यूज होत झालेला, तो चेतन म्हणून, दुसरा काही चेंज नाही त्याच्यामध्ये। आपण बघतो ही जी खेळपट्टी अतिशय जबरदस्त चांगला आयोजन आहे। मी एक प्रश्न विचारतो की हे आयोजन मध्ये तुम्हाला जे सहकार्य मिळते, इतर तुमचे जे सर्व सहकार्य आहेत, ते त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? आमची सगळीच पोरं आम्हाला चांगला साथ देतात, त्यांच्याबद्दल धन्यवाद करतो मी सगळ्या पोरांचं, माझ्या टीमचं आणि बाहेरची पण मला भरपूर धन्यवाद, हे आपलं सपोर्ट करतायत, खूप चांगलं वाटलं मला। निश्चितच मागच्या वर्षामध्ये तुम्ही चौथ्या क्रमांकावर राहिलो होता, अतिशय जबरदस्त परफॉर्मन्स आहे, या वर्षामध्ये काय मनसुबे असतील तुमचे? या वर्षी तर आम्हाला फायनलमध्ये पोहोचायचंच आहे, या हिशोबानेच खेळतोय आम्ही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। रिपोर्ट इज द ग्राउंड, नॉन इफेक्ट जिंकलेली ती मरिया स्पोर्ट वडवली संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय
आणि फलंदाजी असेल ती रणजी स्पोर्ट वडवली संघाची. जाऊया आपण समालोचन कक्षामध्ये, ज्या ठिकाणी सज्ज आहेत समालोचक संदीप गावड अँड सैजत सेठ. बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हेमंत. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झाले 51 धावांचं लक्ष. पहिला चेंडू शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयास केलाय उजव्या हाताचा फलंदाज दीपेश यांनी. स्ट्राईक इन कडे दीपेश, नॉन स्ट्राईक इन कडे फलंदाज आहे तो भावेश. जिंकण्यासाठी 51 धावांचं लक्ष, कारण पहिल्या 5 षटकांमध्ये 10 सरासरीने 50 धावा कालिका माता स्पोर्ट्स कसार वडवली संघाने जमा केल्यात. दुसरा चेंडू पुन्हा शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयास केलाय. अतिशय चांगले चेंडू टाकले जात आहेत गोलंदाज रमान शिंगे यांच्या मार्फत. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, अनुभव हा सर्वात मोठा गुरु असतो आणि हा अनुभव आपल्याला रमन सिंगे याच्या गोलंदाजामध्ये बघायला मिळतोय. फुलटॉस चेंडू, फुलटॉस चेंडूला व्यवस्थित खेळता आला नाही. धावपाची संधी, नेम चुकलाय. लहानपणी जे लघोरी गेम खेळायचो, खेळ खेळायचो, त्या खेळाची आठवण झाली. तशा प्रकारे नेम घेतला होता, मात्र तो नेम चुकलाय. लेग बाईचा इशारा पंचांद्वारे आमच्यापर्यंत पोहोचला आहे. जे पंचांच्या भूमिका द्या आपण बघतायत जयवंत पाटील सरांना. एक अतिरिक्त धाव मिळाली, या अतिरिक्त धावेनिशी खातं खोललं जात आहे. प्रत्येक षटकामागे 10.20 अत्यावश्यक धावगती नाही, एकंदरीत 51 धावा पूर्ण करायच्या आहेत त्या नरेश स्पोर्ट्स कासार वडवली या संघाला. पॉवर प्लेचं हे षटक. पॉवर प्लेमध्ये आपल्याला दोन क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर बघायला मिळत आहेत. एक म्हणजेच आपण बघू शकतायत लॉंग ऑनमध्ये आणि एक मिड विकेट क्षेत्रात. हा चेंडू सरळ बॅटने खेळलाय ओव्हरपिच चेंडूला. लॉंग ऑनमध्ये एक धाव मिळाली, दुसरी धाव घेण्याचा विचार केला जाणार नाही, कारण जी संरक्षण भिंत आहे ती व्यवस्थित बांधलेली आहे. सैन्य बरोबर सीमारेषे लगत उभे केलेत. एक धाव मिळाली, एका धावेनिशी धाव संख्येत फरक पडलाय. धावा झाल्यात ते धावपळकर 2. आता बॅटच्या सहाय्याने आलेली भावेश याच्याकडून आलेली एक धाव बघायला मिळाली. आता स्ट्राईक इन कडे दीपेश. व्हॉट डिलिव्हरी पंच दाखवत आहे. त्या चेंडू नेमका कुठल्या दिशेने जात होता, लेग स्टम्प सोडून जाणारा चेंडू होता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू गेला. एक धाव पूर्ण केली, संधी होती आणि या संधीचं सोनं केलंय. एका धावेनिशी धाव संख्येत बदल झालाय. धावा झाल्या धावपळकर 3. 2 धावा या अतिरिक्तच्या रूपाने या इनिंग मध्ये येताना दिसत आहेत. अत्यावश्यक धावगती 15.16 ची आता सध्या वाढलेली आहे आणि जो चालू रन रेट तो 3.60 चा. आता बिशप मध्ये चेंडूला खेळलाय. चेंडू हवेमध्ये होता, चेंडू जातोय मिड ऑफ मधून लॉंग ऑफ मध्ये. एक धाव मिळाली, दुसरी धाव वेगाने पूर्ण केली जाते. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट्स याचा प्रत्यय या दोघांमध्ये आपण बघू शकतायत. या 2 धाव मिळत आहेत. षटक संपते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावगती हवी होती ती 10.20 ची, मात्र पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा धावपळकर लागतायत. आता चेंडू शिल्लक आहेत 18 आणि 18 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 46 धावांची आवश्यकता. माझ्या समोर जुळले जात आहेत मुंब्रा एक्सप्रेस शैजाद शेख, त्यांना आपण काही प्रश्न मंजूषा करूया. सेजाची अभी 18 गेंदे शेष है और 46 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर रन रेट यहाँ पे बढ़ता हुआ. बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संदीप जी, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा नरेश स्पोर्ट्स की टीम काफी अच्छी फॉर्म में है. इस सीजन में लगभग 3 से 4 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जा चुकी है और इनके पास बैटिंग ऑर्डर काफी स्ट्रांग है. चलिए खैर कोई बात नहीं, पहले ओवर में 5 रन आया है, कोई ज्यादा बुरी बात तो नहीं है. लेकिन आने वाली जो 18 गेंदे हैं, ये 18 गेंदों में 46 रन बन सकते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा बन सकते हैं. बिल्कुल, मैंने अब 24 गेंदों में 100 रन देखे, 99 रन देखे, तो 18 गेंदों में 46 रन क्या चीज है. क्रिकेट में बन सकते हैं और लेकिन तक कुछ नहीं अंदाज नहीं लगा सकते. बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, अक्सर हमने कहा है. लेकिन यहाँ पर मैं प्रशंसा करूंगा कालिका माता स्पोर्ट्स के गेंदबाजों की. इनके पास गेंदबाजी का लाइनअप अच्छा है, अब देखना ये होगा कि किस्मत किसका साथ देती है. निश्चितच तुमच्या प्रतिक्रिया मी जाणून घेतलंय. एक्सपिरियन्स भरपूर आहे शैजाद शेख याला आणि तो एक्सपिरियन्स या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्या वक्तव्यामधून दिसून येतोय. चला सामन्याकडे वळतोय. जिंकण्यासाठी नरेश स्पोर्ट्स कसार वडवली संघाला एकंदरीत 51 धावांचं लक्ष होतं आणि पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा धावपळकर येताना दिसत आहेत. बिनबाद 5 ही एक चिंतेची बाब असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने. दोन्ही इनकडून या विकेटचा वापर केला जातोय. अतिशय चांगली विकेट्स बघायला मिळाली. ज्या दिवशी पहिल्या दिवसा मी आलोय त्या दिवशी मी निरीक्षण केलंय. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा संदीप होईर याचा, चेंडू हवेमध्ये, मिड विकेट पट्ट्याबाहेर, 6 धावांसाठी मॅक्सिमम षटकार. अतिशय चांगलं संतुलन शरीराचं बनवलं या उजव्या हाताच्या फलंदाजाने. बघ्या कशा प्रकारचे टान्स बघा त्याचा. अगदी जवळ दोन्ही पाय जुडलेले दिसले. अंतिम क्षणी क्रॉस शफळ झालाय आणि चेंडूला पुल केलंय. चेंडू मिड विकेट पट्ट्याबाहेर गेलाय 6 धावांसाठी. हा एक उत्तुंग षटकार आलाय. षटकारानिशी धावसंख्येला आकार आलाय. धावसंख्या आहे ती 11. खऱ्या अर्थाने 11 सप्टेंबर 2007 साली क्रिस गेल यांनी
साउथ आफ्रिका या संघाविरुद्ध जे शतक झळकावलं ते आठवण मला झाली आणि 11 या धावसंख्येवर नेमका एक फलंदाज बाद झालाय. वन मॅन डाऊन ऑन द स्कोर इज 11. 11 धावा धावफळकावर गडी बाद झालाय. तो पहिला कशा प्रकारे बाद झालाय ते सुद्धा आपण जाणून घेऊया. हो मात्र हा जो चेंडू खेळलाय तो षटकार कशा पद्धतीने गेलाय, छेळ कशा प्रकारे झालाय, तो छेळ या ठिकाणी व्यवस्थित टिपला गेलाय. म्हणजेच बघा, संतोष नाणेकर जे आज टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचले आहेत आणि आपण सुद्धा त्यांच्याच माध्यमातून जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचलोय. हा शेजाजी, मैं तो कहना चाहूंगा की हमें भी सब पूरा वर्ल्ड देख रहा है. बिल्कुल, संतोष नाणेकर और उनकी टीम ने जो काम किया है काबिले तारीफ. सुबह के वक्त इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे ये जो स्टेज मिला है मेरी मेहनत के कारण मिला है, और वाकई में उन्होंने जो मेहनत की है लाजवाब. बिल्कुल बिल्कुल. चला आता मैदानाच्या दिशेने आपण जाऊया. जिंकण्यासाठी जे 51 धावांचं लक्ष होतं त्याचा पाठलाग करत असताना एकूण धावसंख्या धावपळकावर येते 11 एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नवीन फलंदाज गेला खेळण्यासाठी सुनील. क्रॉस केला फलंदाज, आडव्या पॅटने चेंडूला ऑन साइडला खेळले, चेंडू जाते स्कोर लेग मध्ये. एक धाव मिळाली, दुसरी धाव घेण्याची घाई करणार नाही, कारण म्हटलं जातं अति घाई संकटात नाही. आणि हे दोन्ही फलंदाज हे गोष्टी जाणून आहेत, एकाच धावेवरती समाधान मानतायत. एका धावेनिशी धावसंख्येत बदल झाले, धावा झाले धावफळकावर ते 12. स्कोर मूव्ह ऑन 12. अजूनही जिंकण्यासाठी भरपूर पल्ला गाठायचा आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. एक षटक आणि 3 चेंडूची समाप्ती, धावा धावफळकावर आहेत त्या फक्त आणि फक्त 12. स्ट्राईक इन कडे आता फलंदाज आपण बघतोय सुनील, जो क्रमांक 3 वर खेळण्यासाठी आलाय. क्रमांक 3 वर भारतीय संघाद्वारे आपण बघायचो राहुल द्रविड याला, आता आपण रोहित शर्मा याला कधी कधी क्रमांक 3 वर बघतोय, विराट कोहली याला सुद्धा कधी कधी क्रमांक 3 वर बघतोय. ओ फुलटॉस चेंडू, ही मेजवानी होती फलंदाजाला वास्तविकरित्या या चेंडूचा व्यवस्थित त्याला समाचार करता आला नाही. एक धाव मिळाली कारण चेंडू गेला होता यशरक्षकाच्या पाठीमागे. बाईचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. एका अतिरिक्त धावण्याची धावसंख्येत बदल झालाय, धावा झाले धावफळकावर त्या म्हणजेच 13. 13 रन्स ऑन द बोर्ड, स्कोर मूव्ह ऑन 13. जिंकण्यासाठी अजूनही भलं मोठं पहाड आहे. पुढचा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन, शॉर्ट ऑफ पूल केलंय चेंडूला, गॅप मध्ये चेंडू डोलावलाय, क्षेत्रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू पोहोचलाय. एक धाव मिळाली, दुसरी धाव संधी मिळाल्यानंतर लगेचच पूर्ण केली. हे पद्धत आली ते व्यवस्थित होतं आणि या दोन धावा लगेचच पूर्ण केल्या जात आहेत. या दोन धावांची धावसंख्या झाली ती 15. एक षटक आणि 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर प्रेक्षक हो आपण जो सामना बघताय तो नरेश स्पोर्ट्स कासार रोळवली विरुद्ध कालिका माता स्पोर्ट्स कासार रोळवली या दोन बलाढ्य संघांमध्ये जिंकण्यासाठी 51 धावांचं लक्ष आहे आणि त्याचा पाठलाग करत असताना हा नरेश स्पोर्ट्सचा संघ. हो आता एक चांगला चेंडू लेग ब्रेक झालाय आणि सरळ यष्टीरक्षक राजू पाटील यांच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावलाय. दोन षटकांची समाप्ती, दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रत्युत्तरादाखल 51 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावा धावपळकावर आल्या तर नरेश स्पोर्ट्स वडवली संघाच्या त्या म्हणजेच 15. आता 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 18 सरासरीने 36 धावांची आवश्यकता. या 36 धावा पूर्ण केल्या जातील काय किंवा रोखलं जाईल हा प्रश्न आम्हाला पडलाय. हा प्रश्न आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना पडलाय, मात्र त्याचं उत्तर शोधेपर्यंत आपण जाऊ द्या शहजाद शेख यांच्यापर्यंत. शहजादजी आप क्या कहना चाहोगे, रिक्वायर रन रेट यहाँ पे बढ़ता हुआ, 12 गेंदे शेष और जीत के लिए 36 रनों की जरूरत. बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जो रन रेट है वो काफी बड़ा हो चुका है 18 रनों का. लेकिन चलिए, क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है. अंतिम और आखिरी गेंद तक के कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त का अगर 36 रनों की जरूरत है, उसी तरीके से कल की मैच की अगर हम बात करें तो कल तो 6 गेंदों में 30 रन हमने होते हुए देखे हैं इस ग्राउंड पर. अब देखने वाली बात यह है कि लक किसका साथ देता है. गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज राजू. इसी बीच ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, स्विंग कर दिया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, दंडनाता सिक्सर. क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक. इस वक्त यही कहा जा सकता है संदीप जी के ये 6 ने रेगिस्तान में बारिश का काम किया है. बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है, बल्लेबाज भी काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं. लेकिन मैं इस टूर्नामेंट में आज आखिरी दिन यहाँ पे हूँ शहजाद जी. अगली गेंद लेकर राजू फिर से एक बार सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार एक बार फिर से करारा प्रहार, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग होता हुआ. कहा जाता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड,
मराठीमध्ये म्हटलं जातं की चमकणारी प्रत्येक वस्तू ही सोनं नसतं, तसेच येणारा प्रत्येक चेंडू हा षटकारांसाठी जाईल असं नसतं. बघा कशा प्रकारे हा फलंदाज बाद झाला. त्याच क्षेत्रामध्ये याआधी हा एक षटकार आला होता आणि त्याच क्षेत्रामध्ये एक झळ सुद्धा प्राप्त केलाय, झळ सुद्धा टिपलाय या क्षेत्ररक्षकाने. 21वा गडी बाद झाले ते 2 चालू असलेल्या सामन्यामध्ये ही स्थिती आपण बघू शकतोय. ती नरेश स्पोर्ट्स कसा रोळवली या संघाची. बिल्कुल, एक सीनियर खिलाड़ी जो कि आशीष हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं, उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं इस प्रतियोगिता के लिए. थैंक यू सो मच आशीष जी. चलते हैं मैच की तरफ, रुक करेंगे. 21 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान के बाद. जीत के लिए लक्ष्य अभी भी काफी बड़ा है. 1 6 लगने के बाद मैच में वापसी की उम्मीद की गई थी, संदीप जी उम्मीद की गई थी, लेकिन उम्मीद की किरण जिस अंदाज में कहा जा सकता है कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने कैच पकड़कर वो उम्मीद की किरण को थोड़ा सा धुंधला कर दिया है. इस वक्त अब रनों की काफी ज्यादा जरूरत है. स्कोरबोर्ड पर 21 रन दर्शाता हुआ 30 रन अभी भी बनाने शेष, अभी भी बनाने बाकी. गेंदे सिर्फ और सिर्फ गेंदे बची है 10 गेंदे आना शेष. यहां पर नरेश स्पोर्ट्स की टीम को एक्शन में जरूर आना पड़ेगा. इस बार जगह बनाई, खेल दिया है, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद को फील किया गया. एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल. अब यहां पर कहा जा सकता है कि अगर आपको दाल गलानी है कुकर में तो 2 से 3 सीटी लगानी है. तो उसी तरीके से मैच को अगर भुनाना है तो कम से कम 2 से 3 सिक्स यहां पर आपको लगाने होंगे. बिल्कुल मेहनत करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को. इसी बीच अगली गेंद, इस बार उसी तरीके का दृश्य दिखा, बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए थे. विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया. गेंद आसानी से मिडल स्टंप के ऊपर से निकलती हुई, बचा हुआ काम कीपर ने किया गेंद डॉट के रूप में. अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, दबाव प्रेशर बढ़ता जा रहा है यहां पर नरेश स्पोर्ट्स की टीम पर. इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, हाना के इशारे और ये आत्महत्या. बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, लेकिन ठोकर तो उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे. नॉन स्ट्राइक एंड पर जो खड़े थे उनके हाथों में ये, बिल्कुल ये विकेट गिरा है उनके कारण. चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां पर विकेट जरूर गया है. राजू दादा के हाथों में ये गेंद जरूर दिखी, रनआउट के रूप में उन्होंने एक विकेट का पतंग किया है. विकेट को अगर बात करें तो टीम को एक विकेट जरूर हासिल कराने में उनका योगदान रहा. और गेंदबाजी की अगर बात करें तो लाजवाब गेंदबाजी. पहली गेंद पर 6 लगने के बाद, अक्सर कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद ही आदमी को थोड़ी सी समझ आती है, उसी तरीके का गेंदबाजी के में कमान पर दिखा. पहली गेंद पे 6 रन, उसके बाद जो सुधरे हैं गेंदबाजी के माध्यम से राजू दादा, लाजवाब गेंदबाजी रही. 2 विकेटे जरूर इस ओवर में गिरी है, एक रनआउट के रूप में, एक कैच के रूप में. अंतिम और आखिरी गेंद, इस बार प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, दंदनाता चौका, लाजवाब स्ट्रोक, क्या बात है. इस 4 रन ने मैच का थोड़ा सा दृश्य चेंज किया है. स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन. जीत के लिए अभी भी 6 गेंदों में 25 रनों की और जरूरत. देखना ये होगा सिल्वर जुबली जिसे कहा जाता है, 25 रन, क्या यहां पर 25 रन पूरे करने में कामयाबी मिलती है नरेश स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को, या फिर कुछ और होगा. क्योंकि मैच ये क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल. इस खेल में अंतिम और आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता. बिल्कुल मुश्किल तो है, लेकिन ये बन सकते. पहले भी ऐसे कई मैच हमने देखे जिसमें 25 रन 30 रन बन चुके. कल के दिन में भी हमने 1 ओवर में 30 रन बनते हुए देखे थे. मेहनत करनी होगी जिसे कहा जाता है. मेहनत के बारे में अगर कहा जाए तो मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे हमेशा खोल देती है. और कभी कभार ऐसा भी होता है संदीप जी के यहाँ पर जो चाबी काम नहीं करे उस वक्त लक काम कर जाता है. बिल्कुल, किस्मत काम कर जाती है. मेहनत जब आप करोगे तभी आपको लक साथ देगा. इस वक्त हुनर है बल्लेबाज के पास, टैलेंट है, कैपेसिटी है, कभी बिल्कुल कहा जाएगा कि तीनों चारों चीजें इनके पास मौजूद हैं. इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लक की थोड़ी जरूरत है. अगर लक इनका साथ दे तो शायद कुछ बात बने. अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज. पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन, 27 रन हो चुके हैं. 5 गेंदे शेष, 24 रनों की जरूरत.
पांच गेंदे और 24 रन। इस वक्त अगर एक बड़ा स्ट्रोक लगता है तो मैच में वापसी करने की कोशिश जारी होगी। इस बार करारा प्रहार, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर, बिल्कुल कहा जाएगा कवर के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक ये 4 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। लेकिन सिचुएशन अभी भी बदली नहीं है, अभी भी लगभग 4 गेंदे 20 रन की जरूरत है, 4 गेंदों में 20 रन बनाने जरूरी है। इस वक्त अगर बल्ला चलता है तो नरेश स्पोर्ट्स की टीम शाम में एमसीसी के ग्राउंड पे पार्टी करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अच्छा अंदाज लगाते लेते हैं आप। इसी बीच ये गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। हो, क्या बात है, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, पुल किया, पुल किया, पावरफुल किया, गेंद 4 रनों के लिए। देख सकते हैं शॉर्ट पिच गेंद, पुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया और ये गेंद को नहीं रोक पाया, कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं थे, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और भावेश ने अब तक लगातार 3 चौके भी लगा चुके हैं, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौके 3 गेंदों में 3 चौके लगा चुके हैं। लेकिन इस वक्त का मैच का इक्वेशन और सिचुएशन देखिए, 3 गेंदे 16 रन, 3 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। अगर 3 गेंदों में 3 चौके और लगाते तो एक इतिहास बनाएंगे, और 3 गेंदों में 16 रन बनाने तो एक बड़ा स्ट्रोक जरूर खेलना होगा, एक बड़ा स्ट्रोक लगाना जरूरी। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार करारा प्रहार, खेल दिया है, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, गोल्डन 6 जरूर कहा जाएगा इसे। क्या बात है अनिकेत, क्या बात है अनिकेत, लाजवाब विस्फोटक बल्लेबाज, खुशी की लहर, खुशी की लहर दौड़ती हुई यहां पर जरूर मैं कहूंगा नरेश स्पोर्ट्स के खेमे में। जो रनेश स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो उनके खेमे में थोड़ी सी शांति छाई हुई थी, लेकिन ये 2 चौकों ने जोश में इन्हें ला दिया है। मैच का इक्वेशन और सिचुएशन देखिए, 2 गेंदे शेष, 10 रनों की जरूरत, 2 गेंदे 10 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इस बीच ये गेंद, और इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, 1 रन जरूर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं नजर आता हुआ। ओहो, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया था बल्लेबाज। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल 1 गेंद में 10 रन हमने देखा है, आज की अगर बात करें तो 1 बॉल 9 रन। इस वक्त लक की जरूरत है, किस्मत की जरूरत है, इस वक्त दुआ की जरूरत है इस टीम को, यानी नरेश स्पोर्ट्स की टीम को इस वक्त दुआ की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वक्त दवा भी काम नहीं करेगी, दुआ की जरूरत। 1 बॉल 9 रन, इस बार फुल टॉस गेंद, फुल गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस मैच को जीत लिया है 3 रनों से, बिल्कुल कहा जाएगा कालिका माता स्पोर्ट्स की टीम ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कालिका माता स्पोर्ट्स टीम मेंबर्स एंड हार्ड लक नरेश स्पोर्ट्स टीम। लेकिन हैंडशेक करना है नरेश स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है, दोनों ही टीमें लाइन से हैंडशेक करते हुए ग्राउंड से बाहर निकलेंगी, ये रूल्स हैं। और चलेंगे अब अगले मुकाबले की तरफ, एक बेहतरीन मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है, एक बेहतरीन मैच जरूर हमारा इंतजार कर रहा है। अगला मुकाबला खेला जाएगा रंजीत स्पोर्ट्स वर्सेस मरुआई स्पोर्ट्स के बीच, और साथ ही साथ